जब कोई रिश्ता बनता है दोस्तों, तो उसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, यानी कि रिश्ता कब तक टिका रहेगा, ये कोई भी नहीं बता सकता। और शायद तभी हम इंसान कहते हैं कि कुछ बातें और फैसले वक्त पर छोड़ देने चाहिए। जिस तरह नए रिश्ते की शुरुआत नई खुशियों को लेकर आती है, ठीक उसी तरह जब वो रिश्ते टूटते हैं तो ज़ख्म भी उतने ही गहरे होते हैं। रिश्ता कुछ महीने का हो या सालों का, जब भी टूटता है तकलीफ उतनी ही होती है। हाँ, ये हो सकता है कि मूव ऑन करना ज़िंदगी में थोड़ा आसान होता हो जब प्यार कुछ महीने का ही हो, लेकिन तकलीफ तो बराबर की ही होती है। कई बार आप सभी ने देखा होगा कि जब रिश्ता टूटता है तो यूजुअली सेलेब्स अपनी खामोशी बनाए रखते हैं और ब्रेकअप के पीछे की वजह बताना या इस बारे में बातें करना पसंद नहीं करते, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने रिश्ते की गरिमा और डिग्निटी ख़राब नहीं करना चाहते। तो वहीं कुछ ऐसे सेलेब्स भी होते हैं जिनका ब्रेकअप एक अगली नोट पर होता है और मीडिया में उनकी ब्रेकअप न्यूज़ बन जाती है ब्रेकिंग न्यूज़। एक ऐसे ही एक्टर हैं जिन्होंने अपने ब्रेकअप पर कुछ ऐसी बातें मीडिया में कही थी जिन्हें सुनने के बाद उनकी एक्स गर्लफ्रेंड को भी मीडिया के सामने सफाई देना पड़ गया था जरूरी। पोरस, बालिका वधू, स्वरागनी और ऐसे तमाम हिट शो का हिस्सा रहे मोहित अबरोल ने अपने ब्रेकअप के कुछ महीने बाद ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे जिनसे इनकी एक्स गर्लफ्रेंड मानसी श्रीवास्तव को मीडिया में सफाई देना पड़ गया था। हम हमारे दर्शकों को बता दें कि मानसी श्रीवास्तव को आप सभी ने ससुराल सिमर का और इशकबाज जैसे शो में देखा हुआ है। इन दोनों के 8 साल के रिलेशनशिप के ब्रेकअप होने की खबर से इनके फैंस काफी मायूस हो गए थे, लेकिन जो सबसे शॉकिंग बात रही इनके फैंस के लिए वो थी मोहित का ये क्लेम करना कि मानसी ने इन्हें धोखा दिया है। ब्रेकअप के कुछ महीने बाद मोहित ने एक इंस्टा पोस्ट किया था जिसमें इन्होंने ये मेंशन किया था कि जब ये डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे थे तब मानसी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी थी। ही ऑल्सो एक्यूज्ड हर ऑफ चीटिंग ऑन हिम प्रीवियसली विथ हर दो दिल बंधे एक डोरी से को एक्टर अरहान बेल, एंड द पोस्ट इवन मेंशन दैट मानसी इज नाउ डेटिंग फोटोग्राफर कपिल तेजवानी। हालांकि कुछ समय बाद ये स्टोरी को पुल ऑफ कर दिया गया था और इस पर सफाई देते हुए मोहित का कहना था कि इनका अकाउंट हैक्ड हो गया था। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने ब्रेकअप के बारे में बताते हुए ये भी कहा कि आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग बिटवीन मानसी एंड मी, वी वर एंगेज्ड एंड शी डिडंट इवन टेल मी दैट शी हैड डिसाइडेड टू कॉल इट ऑफ। आई इवन ट्राई टू अप्रोच हर एंड हर फ्रेंड्स टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स, वी लिव टुगेदर फॉर 8 years एंड आई डिजर्व एन एक्सप्लेनेशन। ऑल आई वॉन्टेड वॉज क्लोजर फ्रॉम हर विच आई नेवर गॉट। आई गॉट टू नो रिसेंट that she has already moved on and is dating a guy while I have been suffering। मोहित के इस बयान पर मानसी का बस इतना ही कहना था कि मोहित की नज़र में मूव ऑन करना अगर धोखा है तो मैं अनपढ़ हूँ। इनका ये भी कहना था कि कोई भी कपल बिना रीज़न के अपने रिश्ते को नहीं तोड़ता है। इन्होंने हमेशा ही अपनी चुप्पी साधी थी अपने ब्रेकअप के बाद, लेकिन मोहित के ऐसे क्लेम के चलते इन्हें सफाई देना पड़ गया था ज़रूरी। इन्होंने हमेशा ही अपनी चुप्पी साधी थी अपने ब्रेकअप के बाद, लेकिन मोहित के ऐसे क्लेम के चलते इन्हें सफाई देना पड़ा था, जो इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि मानसी ने मोहित को किसी भी बात के ब्लेम नहीं किया और कहा कि वो किसी को भी उनकी डिग्निटी हार्म करने नहीं देंगी। तो कुछ इस तरह से मोहित और मानसी के 8 साल का रिश्ता बुरी तरह से टूट गया था, वो भी एक अगली फाइट के साथ। आपका क्या कहना है इनके इस ब्रेकअप स्टोरी के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहें। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.